हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक बार की बात है, साधुओं ने सभी त्रिदेव और देवताओं से पूछा कि आप में सबसे महान और श्रेष्ठ कौन है। देवताओं ने सभी वेदों से पूछा तो सभी ने एक सुर में कहा कि महादेव शिव के समान कोई नहीं है, वे ही सर्वशक्तिशाली और पूजनीय हैं। वेद शास्त्रों से शिव के बारे में यह सब सुनकर ब्रह्मा ने पांचवें मुख से शिव के बारे में भला बुरा कहा। इस शीश ने इतना तक कह दिया कि जो शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, नग्न रहते हैं और जिनके पास ना ही महल है ना ही धन वैभव है, वह किसी से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। यह सुनकर सभी वेदों और देवी देवताओं को बहुत दुख हुआ। उसी समय एक दिव्य ज्योति शिवलिंग से एक बालक उत्पन्न हुए और वह बालक जोर जोर से रुदन करने लगे। ब्रह्मा को अज्ञानवश लगा कि उनके तेज से ही ये बालक उत्पन्न हुआ है। अधिक रुदन करने के कारण उन्होंने उसका नाम रुद्र रखा और कहा, तुम मेरे द्वारा जन्मे हो, अतः तुम भरण पोषण करने वाले होगे, अतः तुम्हें भैरव के नाम से भी जाना जाएगा। भैरव को ब्रह्मा जी ने वरदान प्रदान कर दिए थे, पर उनके पांचवें शीश से शिव के लिए गलत शब्द निकलना बंद नहीं हो रहे थे। सहन शक्ति खत्म होने पर भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को काट दिया। यह करना ब्रह्म हत्या के समान था, अतः शिव ने उन्हें आदेश दिया कि तुम जब तक इस पाप से मुक्त ना हो जाओ, तब तक त्रिलोक में भ्रमण करते रहो और जब तक किसी स्थान पर स्थाई और शांति से मत बैठो। भैरव ने शिव के आदेश अनुसार वैसा ही किया। तब अंत में काशी नगरी में उस जगह पर उन्हें हाथ से ब्रह्मा का शीश स्वतः ही छूट गया और तब वह इस पाप से मुक्त हो गए। शिवजी ने उन्हें काशी का कोतवाल बना दिया और आज भी काशी के कोतवाल के रूप में भैरवनाथ पूजे जाते हैं। इनके दर्शन किए बगैर विश्वनाथ बाबा के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते। इसी तरह उज्जैन के काल भैरव के दर्शन के बिना महाकाल के दर्शन का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। भगवान शिव के पांचवें अवतार माने जाते हैं काल भैरव, और काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था। तब से इसे हम भैरव अष्टमी के नाम से जानते हैं, इसलिए इनकी पूजा मध्यान व्यापनी अष्टमी पर करनी चाहिए। भैरव जी का रंग श्याम है, उनके चार भुजाएं हैं जिनमें वे त्रिशूल, खड़ग, खप्पर तथा नर मुंड को धारण किए हुए हैं। काल भैरव भगवान महादेव का सबसे रौद्र, भयाक्रांत, विभत्स, विकराल, प्रचंड स्वरूप माने जाते हैं और माना जाता है कि इनकी उपासना से भूत पिशाच काल दूर रहते हैं। दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को समाप्त करती है भैरव की उपासना, और जो भी मनुष्य भैरव जयंती के दिन या किसी भी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरवनाथ का व्रत करता है या सिर्फ पूजन करता है या सिर्फ उनकी उपासना भी करता है, वो समस्त कष्टों से मुक्त हो जाता है। श्री भैरव अपने उपासक की दसों दिशाओं से रक्षा करते हैं। भगवान भैरव अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर बल, बुद्धि, तेज, यश, धन तथा मुक्ति प्रदान करते हैं। रविवार का दिन हो या बुधवार का दिन हो, ये दिन खासकर भैरव की उपासना का दिन माना गया है। इसलिए आज मैं आपको जो उपाय बताऊंगी, अगर वो छूट भी जाते हैं तो आप किसी भी रविवार या बुधवार के दिन इन उपायों को कर सकते हैं। इस साल भैरव जयंती 2018 में 29 नवंबर गुरुवार के दिन आ रही है, और ये दिन भैरव जयंती, भैरव जन्म दिवस, भैरव अष्टमी या काल अष्टमी के नाम से भी जानी जाती है। रात में जागरण काल में शिव पार्वती की भैरव कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। भैरव के 108 नामों का जप करना चाहिए और शिव के इस अंश भैरव को दुष्टों को दंड देने वाला माना जाता है, इसलिए इनका नाम दंडपानी भी कहलाया गया है। शिव के रक्त से भैरव की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए काल भैरव कहलाते हैं। और ऐसी कथा आती कि एक बार अंधकासुर ने भगवान शिव पर जब हमला कर दिया था, तब महादेव ने उसके संहार के लिए अपने रक्त से भैरव की उत्पत्ति की थी। शिव और शक्ति दोनों की उपासना में पहले भैरव की आराधना के लिए कहा जाता है, और कालिका पुराण में तो भैरव को महादेव का गण बताया गया है।
नारद पुराण में ही काल भैरव और माँ दुर्गा दोनों की इस दिन पूजा करने का विधान बताया गया है। और आज के दिन काल भैरव की उपासना करने के लिए आपको ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्री काल भैरव अष्टमी के दिन रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें और एक पान का पत्ता ले लें, उस पर दो लौंग और दो बताशे प्रज्वलित करके भैरवनाथ की आरती करनी चाहिए। अगर आपको अपने घर के आसपास कहीं भी भैरवनाथ का मंदिर नहीं मिलता या कहीं भी स्थापित नहीं है, तो आप अपने घर के द्वार पर एक छोटा सा ईंट रख लें, उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाएं, थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाएं, थोड़े से मूंग की दाल चढ़ाएं और फिर लौंग और बताशे को प्रज्वलित करके वहाँ पर पान के पत्ते पर रख कर उससे आप आरती कर सकते हैं। भैरव मंदिरों में इस दिन हवन कीर्तन पूजा अर्चना बहुत जोर शोर से होती है और साथ ही साथ दही बड़े और इमरती का भोग लगाया जाता है। कुछ उपाय बता देती हूँ आपको जो आप इस दिन घर बैठे कर सकते हैं। काल भैरव का ध्यान तो सभी को करना है और ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण मन ही मन आपको करना चाहिए। जिनके भी घर में लोग नशे आदि के बहुत ज़्यादा अधीन हो चुके हैं, उनको भी छोटे छोटे उपाय बताती हूँ, वो भी चाहे तो कर सकते हैं। काल भैरव की पूजा से सभी तरह के अनिष्ट का निवारण होता है, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें। इसलिए भैरव जी के 108 नामों का जहां तक हो इस दिन आपको स्मरण जरूर करना चाहिए। जो भी बाकी दिन आप पूजा करना चाहते हैं, वो प्रतिदिन अथवा किसी भी बुधवार, गुरुवार, शनिवार या रविवार को आपको भैरव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको 108 नामों के आगे सिर्फ रिंग, क्या बोलना है आपको, रिंग, ये बीज युक्त आपको 108 नामों का जप करना चाहिए। इससे आपको आपके जीवन के हर क्षेत्र में अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है। माना जाता है बुरा से बुरा वक्त होता है वो निकल जाता है। और इस दिन अगर आप उपवास करना चाहें तो उपवास करें, नहीं तो कम से कम सुबह सुबह नहा धो करके आपको इस दिन पितरों के निमित्त एक लोटा जल जरूर डालना चाहिए। चाहे तो थोड़े से काले तिल लेकर के दक्षिणमुखी होकर के एक लोटा जल लें और अपने पितरों के नाम आपको तर्पण करना चाहिए। इस दिन माना जाता है ऐसा करने से पितृ को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान काल भैरव की पूजा अर्चना अगर आप कर सकें तो इस दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। पूरे दिन चाहे तो उपवास करें और नहीं तो आप धूप दीप रात के समय खासकर काले तिल उड़द सरसों की तेल का दिया बना करके भगवान काल भैरव को आपको उनके निमित्त जलाना चाहिए। कैसे जलाएंगे इस दीप को आप? घर के बाहर अपने घर के मुख्य द्वार पर एक कोई भी ईंट या पत्थर का टुकड़ा रख लें और उसके ऊपर उड़द और उड़द की दाल के दिए बना लें और उसमें सरसों के तेल से आपको दीप जलाना चाहिए। मान्यता के अनुसार भगवान काल भैरव का वाहन कुत्ता है यानी कि स्वान है, इसलिए जब भी आप व्रत खोलें या फिर ऐसे ही आप इस दिन कम से कम अपने हाथ से कोई भी पकवान बना करके आपको कुत्ते को भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान काल भैरव की कृपा आप पर सदा बने रहती है। आपको रोटी से एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? एक रोटी आप जब भी आज रात को खाना बनाएंगे तो एक रोटी आप अलग से बना लें और उस पर अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली से सरसों के तेल में डुबो लें और फिर लाइन खींचें। इस रोटी को आपको किसी दो रंग के वाले कुत्ते को खिलाना है और कुत्ते के रोटी खाने पर अगर कुत्ता ये रोटी खा लेता है तो मान लें कि आपको भैरवनाथ का आशीर्वाद मिल गया। लेकिन बाय चांस अगर कुत्ता रोटी सूंघ करके आगे बढ़ जाता है तो आपको ये रोटी खिलाना कुत्ते को कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक कि कुत्ता रोटी ना खा ले। आप चाहें तो उड़द की दाल के पकौड़े भी आप सरसों के तेल में बनाएं और रात भर उन्हें रखने के बाद सुबह बिना किसी के रोक टोक के चुपचाप घर से बाहर निकलें और रास्ते में जो भी पहला कुत्ता दिखाई दे उसे आप ये पकौड़े खाने के लिए दे दें। ध्यान रखें पकौड़े खिलाने के बाद कुत्ते को आपको पलट कर नहीं देखना है और इस उपाय को आपको काल भैरव जयंती या रविवार के दिन ही करना चाहिए। दोस्तों काल भैरव जयंती है यानी कि शिव जी के 5वें अवतार भयानक रुद्र अवतार के जन्म का दिन है और काल भैरव जयंती के दिन कड़वे तेल में
कड़वा तेल कौन सा होता है? सरसों के तेल को हम कड़वा तेल कहते हैं। उसमें आप पापड़, पकौड़े, पुए आदि पकवान तलें और उनको रख करके अगले दिन या फिर रविवार के दिन जा करके किसी गरीब की बस्ती में बांट जाएं। आप इस दिन खास कर माना जाता है, अगर कोई कोढ़ी आपको मिल जाए, जिसको कोढ़ की मरीज हो या कोढ़ की बीमारी हो, वो आपको मिल जाता है, तो उनको आपको भोजन ज़रूर कराना चाहिए, उनको कंबल आदि का आपको दान करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन अगर आपको कोई भैरव मंदिर मिल जाए तो वहाँ पर चंदन, गुलाब, गुगल की 33 अगरबत्तियाँ यानी 33 अगरबत्ती आपको जलानी चाहिए। और चाहें तो आप एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं, अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर पर्सन पर नज़र हुई है, कोई बाधा है, वो ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, परेशान हैं, रोगी मनुष्य हैं, बार बार उनके जीवन में दुर्भाग्य आता है, परेशानियां आती है, कोई रास्ता नहीं आ रहा है, तो आपको 5 नींबू और 5 लौंग का एक उपाय करना है। क्या करना है आपको? 5 नींबू ले लें और हर एक नींबू में आपको एक एक लौंग गाड़ देना है और इसको फिर किसी भैरव मंदिर में या फिर शिवजी के मंदिर में जा करके भैरव नाथ का नाम लेते हुए ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए उस नींबू को रख करके जप लें और फिर जो पर्सन बीमार है उसके ऊपर से उल्टी दिशा में आपको 7 बार घुमा करके आपको भैरव नाथ को चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर काल भैरव की विशेष कृपा होती है और माना जाता है मनुष्य मालामाल हो जाता है। दोस्तों, इस दिन आप जब भी अगर काल भैरव का मंदिर जाते हैं तो वहां पर आपको आरती आदि ज़रूर करनी चाहिए और हो सके तो एक पीले रंग का ध्वज आप ज़रूर चढ़ाएं। इस प्रकार से काल भैरव अष्टमी का दिन है और इस दिन जो भी मनुष्य काल भैरव का नाम लेता है, उनका स्मरण करता है, उनके स्तोत्र का पाठ करता है, तो वह मनुष्य समस्त कष्टों से मुक्त हो जाता है और 10 दिशाओं से काल भैरव उसकी रक्षा करते हैं। तो आप भी कर लीजिए ये उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रह सकें। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।